बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आज की प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है वो है अ स्टडी ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़। और ये जो रिसर्च स्टडी है ये मैंने डॉक्टर हामिद तुराब साहब की सुपरविजन में कंडक्ट की है। तो सबसे पहले आज की इस प्रेजेंटेशन को जिस तरह से मैं लेके चलूँगा, सबसे पहले मेरे टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, फिर हम लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा सा ग्लांस करेंगे, उसके बाद हमारी इस रिसर्च का जो फ्रेमवर्क है उसको डिस्कस करने के बाद जो ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स हैं उनको देख के एनालाइज करेंगे, और फिर हम अपने काम को कंक्लूड करने के बाद एक नज़र रेफरेंसेस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी भी शख्स ने कोई प्रोडक्ट खरीदनी होती है तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़ यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जो रिव्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो वो ट्रस्ट डिवेलप करते हैं उस वेंडर का, उस ब्रांड का जो उस प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा होता है, और सेकेंडली ये कस्टमर का बिजनेस है और बिजनेस का कस्टमर के साथ रिलेशनशिप जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो हैं ये सेल्स लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट खरीदनी चाहिए या नहीं, वो ऑनलाइन रिव्यूज़ को पढ़ने को प्रेफर करते हैं। और इसके अलावा जो इसका एक और फ़ायदा है वो ये है कि प्रोडक्ट्स की डिस्कवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में इतनी ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती, अगर ऑप्शन होती भी हैं तो उनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़ इस मामले में भी हमें असिस्ट करते हैं। सेकेंडली, जिस तरह अभी रिसेंटली भी हमने ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ऑनलाइन प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो ओवरऑल द ग्लोब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। एक रिसेंट यूएस सर्वे के मुताबिक जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑनलाइन सेल्स थी वो मोर देन 200% बढ़ गई। तो चूंकि अब ये जो डिसीजन मेकिंग या शॉपिंग का जो डिसीजन है ये ट्रेंड जो है ये चेंज हो गए हैं, तो इसी वजह से अब इन रिव्यूज़ के थ्रू जो हैं यूज़र्स जो हैं वो किसी भी प्रोडक्ट में आने वाली डेफिशिएंसीज और या फिर अगर उसमें कोई ऐसे फीचर्स हों जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो वो उसका इजहार करते हैं, और उसके अलावा वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अपनी सजेशंस भी इन्हीं रिव्यूज़ के थ्रू देते हैं। अब ये जो रिव्यूज़ हैं सबसे पहले तो ये यूज़र्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उन्हें कोई प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या फिर उन्हें उसके साथ जाना चाहिए, और दूसरे इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं जो उस प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं उन्हें भी इन रिव्यूज़ के थ्रू हेल्प मिलती है कि वो अपने उस प्रोडक्ट को जो है वो ओवरऑल इम्प्रूव कर लें। तो ये जो ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़ की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें से दो प्रॉब्लम जिनको हम इस स्टडी में एड्रेस किया है हमने, वो दो प्रॉब्लम्स में एक है हमारे पास स्पैम डिटेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि स्पैम डिटेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है और हम इसको परफॉर्म क्यों करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पैम डिटेक्शन के साथ। स्पैम डिटेक्शन इज़ बेसिकली के ऐसे रिव्यूज़, ऐसे फेक रिव्यूज़ आइडेंटिफाई करना जो कि नॉन जेन्युइन यूज़र्स ने किए हों। यहाँ पे नॉन जेन्युइन यूज़र्स को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा, ऐसे यूज़र्स जिन्होंने एक्चुअल में तो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया होता लेकिन वो फॉर द सेक ऑफ सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स और अदर पर्पजेज वो उस प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये होती है स्पैम डिटेक्शन, और स्पैम डिटेक्शन परफॉर्म इस वजह से करनी पड़ती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो अपने ओपोनेंट्स को डिग्रेड करने के लिए या अपनी प्रोडक्ट की फेक एक मार्केट स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, उन रिव्यूज़ के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं या डीमोट करते हैं। अगर जाहिर सी बात है वो प्रमोट करना चाहेंगे तो वो ऐसे पॉजिटिव रिव्यूज़ जनरेट करवाएंगे किसी शख्स से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी ग्रुप से जो कि उसमें खूबियाँ एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, और इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट को उन्होंने डीमोटिवेट करना होगा अपने ओपोनेंट की तो वो उसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ जनरेट करवा देंगे। और दूसरी जो बात है स्पैम डिटेक्शन को स्टडी करने के पीछे जो रीज़न थी वो ये थी कि इवन ह्यूमन इवेल्यूएटर्स के लिए एक जेन्युइन रिव्यू और एक स्पैम रिव्यू में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो पहला रिव्यू अगर मैं गो थ्रू करूँ जल्दी से, तो आई हैव स्टेड एट मैनी होटल ट्रेवलिंग फॉर बोथ बिजनेस एंड प्लेयर एंड आई कैन ऑनेस्टली से दैट द जेम इज बेसिकली द होटल, द जेम इज टॉप्स, द सर्विस एट द होटल इज फर्स्ट क्लास, द रूम्स आर मॉडर्न एंड वेरी कंफर्टेबल एंड सो ऑन। और अगर आप राइट साइड वाला रिव्यू देखें तो माय हस्बैंड एंड आई स्टेड एट द जेम्स शिकागो होटल फॉर आवर एनिवर्सरी, दिस प्लेस इज फैंटास्टिक, वी न्यू एज सून एज वी अराइव्ड एंड वी मेड द राइट चॉइस। अब अगर हमें एज ए ह्यूमन हम जज करना चाहें तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि कौन सा रिव्यू जो जेन्युइन है और कौन सा रिव्यू जो फेक है। तो हमारे पास जो लेफ्ट वाला रिव्यू था वो जेन्युइन रिव्यू था और जो फेक रिव्यू था वो बेसिकली क्राफ्टेड रिव्यू था जो कि नेकेड आई के साथ ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसके बाद जो दूसरा हमने टॉपिक इस स्टडी में एड्रेस किया है वो है डाइवर्सिफिकेशन। बट एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन इज अ कॉम्पैक्ट सेट ऑफ रिव्यूज जिसे हम इजीली स्टडी कर सकते हैं और उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हर तरह के सेंटिमेंट्स कवर होते हैं, और
जबकि एक प्रोडक्ट के बारे में एक यूजर को हर तरह की ओपिनियंस मिल रही होती हैं, तो उसके लिए वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू उसे सिर्फ किसी प्रोडक्ट की सिर्फ खूबियां ही बता दीजिए या सिर्फ खामियां ही बता दीजिए। तो जब उसके पास एक मिक्स सेट आ जाता है तो उसके लिए ये ज्यादा रिलायबल हो जाता है। और इसी तरह ये जो डाइवर्सिफिकेशन है, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज जो होती हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है या अपने कंपटीटर्स को देख के अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम डाइवर्सिफिकेशन करते क्यों है? सबसे पहले तो जैसे जैसे कोई भी प्रोडक्ट फेमस होती जाती है उसके जो नंबर ऑफ रिव्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम आईफोन को देखें तो आईफोन पे मिलियंस ऑफ रिव्यूज होते हैं जिन्हें पढ़ना ना तो यूजर के लिए पॉसिबल होता है ना ही अथॉरिटीज के लिए, कि वो अगर आइडिया लेना चाहें कि हमें कौन से फीचर्स आगे लॉन्च करने चाहिए। इसी तरह उन रिव्यूज में रेपिटेशन भी होती है और बसा औकात ऐसा होता है कि कुछ फीचर्स बाकी फीचर्स से इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन चूंकि इतने ज्यादा रिव्यूज हैं तो यूजर के लिए उन फीचर्स को देखना या उन फीचर्स के बारे में ओपिनियन बनाना कि वो उसके लिए अच्छे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में मिलेंगे या नहीं, वो जरा मुश्किल हो जाता है। ओके, उसके बाद हम देखें, अगर मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन की भी एग्जांपल दे सकूं तो मैं सिर्फ ये जो बोल्ड हेडिंग्स हैं इनको देखना चाहूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ रहा है, ग्रेट स्मार्टफोन, पॉजिटिव रिव्यू लग रहा है देखने से ही। उसके बाद सैमसंग इज ऑलवेज द बेस्ट, ग्रेट फोन, लव इट, ग्रेट फोन। तो ये एक डिफॉल्ट व्यू है रिव्यूज का, यानी किसी प्रोडक्ट या किसी रिव्यू पोस्टिंग साइट का, कि जिसके ऊपर सारे ही पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। यह हो सकता था कि वहां पे सारे के सारे नेगेटिव रिव्यूज होते, तो अगर एक यूजर इस व्यू को देखेगा तो उसके लिए इस पे रिलाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या अगर वो डिसीजन कर लेगा तो बाद में उसे रिग्रेट होगा कि मुझे तो इसकी जो माइनस पॉइंट्स थे उनका आइडिया नहीं था। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास, मैं सिर्फ अगेन बोल्ड हेडिंग्स पढ़ूंगा, ग्रेट स्मार्टफोन, पॉजिटिव रिव्यू, ग्रेट फोन, लव इट, अगेन पॉजिटिव रिव्यू, ग्रेट फोन बट टेरिबल ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव रिव्यू देखने को मिल गया। उसके बाद नॉट अ बैड फोन बट डेफिनेटली नॉट शैटर प्रूफ। तो यहाँ पे उसने तारीफ तो नहीं की लेकिन उसने नेगेटिविटी का जिक्र जरूर कर दिया। तो अगर हम देखें तो डाइवर्सिफाइड व्यू से हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है कि हमें उस प्रोडक्ट को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन को ये जो ऑनलाइन स्टोर है ये यूज कर सकते हैं ताकि जो प्रोडक्ट्स वो ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में फॉल्स ओपिनियंस जो जनरेट की जाती हैं इंटेंशनली, उनको हटा के सिर्फ ट्रू रेपुटेशन, जो असल उनकी प्रोडक्ट की बुकत है, वो लोगों को दिखाई जा सके। और सेकेंडली वो स्पैम प्रोटेक्शन को यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर यूजर्स को पता होगा कि यहाँ पर सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज हैं तो वो इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। स्पैम प्रोटेक्शन के बाद अगर हम डाइवर्सिफिकेशन के एप्लीकेशन को देखना चाहें तो डाइवर्सिफिकेशन को यूज किया जा सकता है जनरल यूजर्स के लिए भी और मैनेजमेंट अथॉरिटीज के लिए। जनरल यूजर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बजाय ये कि किसी भी प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड हो सकते हैं वो दिखाने के बजाय हमें उन्हें छोटा सा रिव्यूज का सेट दिखा दें जिसके अंदर मैक्सिमम ओपिनियन और मैक्सिमम सेंटीमेंट्स जो है वो कवर हो रहे हैं। और इसी तरह जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं मोस्टली ऐसा ही होता है कि वो या तो वो बल्कि नेगेटिव व्यूज ही देखना चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्ट में कौन कौन सी डेफिशिएंसीज यूजर्स जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो बजाय ये कि अगेन वो लार्ज नंबर ऑफ रिव्यूज को पढ़ें वो क्या करते हैं वो सिर्फ अपनी प्रेफरेंस के लिए एक स्पेसिफिक सेट ले आएंगे और उससे उन्हें ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन से ऐसे ज्यादा लोग हैं और लोग कौन से फीचर को उनको ज्यादा तनकीद का निशाना जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद जो चैलेंजेस हैं जो इसमें हमें फेस करना पड़े, सबसे पहला तो रोमन उर्दू रिव्यूज ज्यादा तो अवेलेबल नहीं था क्योंकि हमारी ये जो सारी एक्सपेरिमेंटेशन है ये हम रोमन उर्दू के ऊपर परफॉर्म करना चाहते थे, तो पहले तो हमारे पास डेटा सेट नहीं था। सेकेंडली रोमन उर्दू में कैरेक्टर लेवल वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा थी, यानी एक ही वर्ड को लिखने के काफी ज्यादा तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर मैं मिसाल दूं आपको, यहाँ पर मुझे कोट करना चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाया, कि अगर मैं लिखना चाहूँ क्या, उसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है KYA, कुछ लोग उसको KIA भी लिखते हैं, और इसी तरह इसकी और वेरिएशंस भी हो सकती हैं। और इसके जो रीजन थी वो बेसिकली ये थी कि रोमन उर्दू जो स्क्रिप्ट है उसका कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, जिस तरह इंग्लिश का एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उर्दू का एक सेट ऑफ रूल्स होता है, रोमन उर्दू का हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद रोमन उर्दू के लिए कोई फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स भी पहले से मौजूद नहीं थी, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस के लिए जो फुल ऑफ रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैलेंज, कि इससे पहले कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिसमें उन्होंने रोमन उर्दू के जो प्रोडक्ट रिव्यूज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की अटेम्प्ट की हो। तो इसके बाद हम देखेंगे अपना लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को बेसिकली हमने दो पोर्शंस में डिवाइड किया था अपनी इन दोनों प्रॉब्लम्स को देखते हुए। पहला पोर्शन हमारा था स्पैम डिटेक्शन और दूसरा था डाइवर्सिफिकेशन। तो स्पैम डिटेक्शन में जो चंद की पेपर्स मैंने यहाँ पे कोट किए हैं इस लिटरेचर रिव्यू में, पहला जो पेपर है उसमें उन्होंने CNN और LSTM की टेक्निक्स को यूज किया, दूसरे पेपर में DNN डीप न्यूरल नेटवर्क को यूज किया, तीसरे पेपर में LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क यूज किया, और फिर एक और पेपर कोट किया उसमें उन्होंने जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क यूज किया, और एक और पेपर था जिसमें CNN के जरिए उन्होंने
स्पैम डिटेक्शन परफॉर्म की थी। अब इसी तरह अगर मैं डाइवर्सिफिकेशन पे आऊँ तो जो पहला पेपर यहाँ पे मैंने कोट किया उसमें उन्होंने एक टेक्निक प्रपोज की थी जिसका नाम उन्होंने एफएस कवरेज दिया और सीनेट का डेटा सेट उन्होंने यूज किया। इसी तरह एक और पेपर था 2015 का IEEE में पब्लिश हुआ था, उसमें उन्होंने एक अप्रोच प्रेजेंट की थी जो कि बहुत अच्छी अप्रोच थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी, डाइवर्सिटी रिट्रीवल सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था जो रिव्यूज वो रिट्रीव करता था इन फॉर्म ऑफ डाइवर्स ओपिनियंस। और इसी तरह कुछ पेपर जो मैंने कोट किए हैं, टाइम लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा इनको स्किप करता जाऊंगा। तो जो लिमिटेशंस थी इन की पेपर्स में, सबसे पहले तो ये थी कि ये सारे के सारे पेपर जो थे वो इंग्लिश में किए गए थे, इससे पहले कोई काम रोमन उर्दू प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में नहीं किया गया। सेकंड जो प्रॉब्लम थी, जो लिमिटेशन थी, वो ये थी कि हमारे पास जो रोमन उर्दू प्रोडक्ट रिव्यूज थी उनके लिए डेटा सेट भी मौजूद नहीं था, और उसके बाद कोई ऐसा एंड टू एंड सिस्टम इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता इंग्लिश में भी और उर्दू में, तो ऑब्वियसली काम रोमन उर्दू में तो काम ही नहीं हुआ, जो पहले स्पैम रिव्यूज को एलिमिनेट करे और फिर उसके बाद उनको डाइवर्सिफाई करके दे। तो ये हमारी एक फर्स्ट अटेम्प्ट कही जा सकती है जिसमें हम एक एंड टू एंड सिस्टम देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर था उसमें उन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन परफॉर्म की थी उसमें वो दो चीजों को पैरेलल लेके चलते थे कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने रिव्यू में एड्रेस हुए हैं, सेंटिमेंट्स कौन से हैं, और फिर उनके बेस पे डिसीजन करते थे। तो इसका जो एक डिसएडवांटेज प्रोबेबल हो सकता था वो ये था कि अगर सेंटिमेंट्स का स्कोर बहुत ज्यादा आ गया है तो वो फीचर्स की जो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन वो कम हो जाती है, और अगर फीचर्स का स्कोर ज्यादा आ जाता है तो सेंटिमेंट्स की कंट्रीब्यूशन कम हो जाती है। नहीं, इसमें हमारे पास चांसेस थे कि हम एक चीज को दूसरे से ज्यादा प्रेफरेंस दे देंगे। तो जो हमारी ये स्टडी है, एक सेकंड, एक चीज मैं थोड़ा सा मुझे इस कंफ्यूजन तो नहीं है, इंस्टेंट के जॉब कर रहे हैं, आपने टाइटल में रोमन उर्दू का वर्ड क्यों नहीं यूज किया? अगर आप सारी एफर्ट अपनी जो है ना वो रोमन उर्दू के रिव्यूज के ऊपर अगर आपने फोकस किए हुई है तो टाइटल में डोंट यू थिंक कि इसको टाइटल में भी होना चाहिए था कि टेक्स्ट जो है ना वो रोमन उर्दू का आप यूज कर रहे हैं। टाइटल आपका है स्टडी ऑन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज, तो इसमें तो खैर आप अंग्रेजी का भी कर लेंगे तो दैट विल कवर द ब्रॉडर सा टॉपिक है which I understand, मेरा ख्याल है कि कहीं दरमियान में आपने और सुपरवाइजर ने डिसाइड किया कि हमें रोमन टेक्स्ट को ही फोकस करना चाहिए। सर, ये आपने बिल्कुल सही इशू पॉइंट आउट किया, हमें भी इसकी रियलाइजेशन थी, और ये थोड़ा सा लेटेस्ट स्टेज पे एक्चुअली हुआ था जिस वजह से, और हमारे पास उस टाइम पे ऑप्शन नहीं थे कि हम इसको चेंज कर पाते, तो मजबूरन हमें फिर इसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ा, लेकिन आपने बहुत अच्छा इशू पॉइंट आउट किया। रिसर्च फोकस हमारी स्टडी का जो फोकस था, सबसे पहला जो हमें काम करना था, हमें रोमन उर्दू का डेटा सेट कलेक्ट करके फिर उसको लेबल करना था। उसके बाद हमने कुछ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स लेआउट किए जो हमारे पास रोमन उर्दू के लिए स्पैम डिटेक्शन परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमने एक एल्गोरिथम प्रपोज किया है नया, जिसको नाम हमने C4 दिया, आगे मैं बताऊंगा कि C4 से होता क्या, जो बेसिकली करता यह है कि सेंटिमेंट्स और फीचर्स दोनों को एड्रेस करने की कोशिश करेगा विदाउट कम्प्रोमाइजिंग वन ओवर अनदर। और इसके अलावा हमने एक नया इवेल्यूशन मेजर बी डाइवर्सिटी के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, वो क्यों करवाया है वो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे उसके बाद हमने ये कि इससे पहले रोमन उर्दू के डाइवर्सिफिकेशन पे इससे पहले कोई काम नहीं हुआ, तो हमारा ये भी फोकस था कि हमने ये करना है। एंड अगेन इट वुड बी द रेपिटेशन बट आई लुक इनटू दिस, पहला एंड टू एंड सिस्टम होगा जो खासतौर पर रोमन उर्दू के लिए, और जनरल अगर हम करना चाहते हैं तो जो हमें स्पैम रिमूव करेगा और उसके बाद हमारे रिव्यूज को डाइवर्सिफाई करेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस रेपिटेशन एक्चुअली। ओके, तो रिव्यू स्पैम डिटेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन एक्टिव रिसर्च एरियाज तो हैं बट नॉट फॉर रोमन उर्दू, और जो पहले जितना भी काम मैंने आपको की पेपर्स में भी दिखाया वो पूरा का पूरा इंग्लिश पे था। और रोमन उर्दू चूंकि एक अंडर रिसोर्स लैंग्वेज या लैक ऑफ रिसोर्स लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, एक लैक ऑफ रिसोर्स लैंग्वेज थी, तो इस पर बहुत कम काम हुआ था। और हमारी ये जो स्टडी थी इसका गोल ही यही था कि हम एक ऐसा मुकम्मल फ्रेमवर्क बनाएं जो स्पैम को हटाए और फिर जो बाकी जेन्युइन रिव्यूज रह जाए, ओरिजिनल रिव्यूज जो ओरिजिनल यूजर्स ने क्रिएट किए हुए हैं उनको डाइवर्सिफाई कर सकते। तो ब्रॉडर सा व्यू देना चाहूं तो सबसे पहले इसमें हमारे पास ये होगा कि हमारे जो रिव्यूज आए हैं जो स्पैम रिव्यूज हैं उनको रिमूव करेंगे। उनको रिमूव करने के बाद जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज रह जाएंगे तो उन जेन्युइन रिव्यूज के ऊपर हम डाइवर्सिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। उस डाइवर्सिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि पहले हम सेंटिमेंट्स ऑब्टेन करेंगे अपने डेटा सेट के लिए, फिर उन रिव्यूज में से फीचर्स निकालेंगे, और फिर उन्हीं को लेके हम
अपना जो एल्गोरिदम है जो फीचर ओरिएंटेड डाइवर्सिफिकेशन है उसे परफॉर्म करेंगे, और उसे परफॉर्म करने के बाद एट द एंड हमारे पास डाइवर्सिफाइड रिव्यूज आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्लियरली मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो दो दो काम हम एड्रेस करना चाह रहे थे, पहला स्पैम डिटेक्शन, वो यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन परफॉर्म होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ स्पैम रिव्यूजिंग ग्रुप स्पैम डिटेक्शन, इसकी जो रीजन थी वो ये थी कि पहले हमारे पास जो डेटा सेट हमें अवेलेबल किया दराज से क्रॉल करके वो लेबल नहीं था, तो पहले तो हमें उस डेटा सेट को लेबल करना था और फिर उसके बाद हमें उसमें से स्पैम रिव्यूज हटाने थे। तो डेटा सेट की लेबलिंग के लिए क्या काम किया गया और फिर कैसे स्पैम रिव्यूज रिमूव किए गए वो इस फ्रेमवर्क से अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो हमारे पास जो डेटा सेट की लिमिटेशन थी उसकी वजह से हमें ये एक स्पेसिफिक टेक्निक ग्रुप स्पैम डिटेक्शन फॉलो करना पड़ी, क्योंकि जो हमारे पास फीचर्स थे वो इस तरह के थे जो ग्रुप स्पैम डिटेक्शन को ज़्यादा जो है वो एफिशिएंटली हैंडल कर सकते। ग्रुप स्पैम डिटेक्शन बेसिकली ये टेक्निक होती है कि जो स्पैमर्स होते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप जो है वो काम करते हैं, ठीक है, और उसमें होता अक्सर ये है कि वो एक खास टाइम के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को या तो एक्सट्रीम रेटिंग टॉप पे दे रहे होते हैं या मिनिमम रेटिंग दे रहे होते हैं। तो इस वजह से हमने ग्रुप स्पैम डिटेक्शन को प्रेफर किया, और इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे को रिव्यूअर ग्राफ जनरेट करेंगे। को रिव्यूअर ग्राफ बेसिकली ये होगा कि दो रिव्यूअर्स जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं, उन्होंने सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया है या नहीं, तो इस तरह हम उन रिव्यूज को आपस में लिंक कर लेंगे जिन्होंने सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया होगा। फिर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्कैन एल्गोरिदम। ये स्कैन एल्गोरिदम बेसिकली इट इज स्ट्रक्चरल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम फॉर नेटवर्क्स। दिस एल्गोरिदम वॉज एक्चुअली डिजाइन फॉर नेटवर्क्स, लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा कि हम इसको रिव्यूज के अंदर यूज करेंगे। तो स्कैन एल्गोरिदम बेसिकली हमें करेगा ये कि जो रिव्यूअर्स के दरमियान हमने को रिव्यूअर ग्राफ बना लिया तो उसमें से कैंडिडेट ग्रुप जनरेट करेगा, ऐसे ग्रुप जो हो सकता है स्पैमर हो। तो जब हमारे पास वो ग्रुप जनरेट हो जाएंगे तो उसके बाद हम उन ग्रुप्स की स्कोरिंग करेंगे बेस्ड ऑन सम फीचर्स, क्योंकि वो ग्रुप्स तो बहुत ज्यादा बन सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं कि वो सारे के सारे स्पैमर हों। तो हमें मेक श्योर करना था कि हम मैक्सिमम कवरेज जो है वो स्पैमर को आइडेंटिफाई करने पर दें। तो जब हमारे पास हर ग्रुप का, हर कैंडिडेट ग्रुप का स्पैम स्कोर आ जाएगा तो उसके बाद हमको एक ऐसा स्पेसिफिक थ्रेशहोल्ड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम फिर आइडेंटिफाई कर सकें कि उस थ्रेशहोल्ड से ऊपर जितने भी हमारे पास ग्रुप्स होंगे वो स्पैमर के हैं और जो उससे बाकी होंगे वो हमारे पास नॉट स्पैमर है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो हमारा जो डेटा सेट है वो लेबल हो जाएगा। तो डेटा सेट को लेबल करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम को रिव्यूअर ग्राफ जनरेट करेंगे, तो को रिव्यूअर ग्राफ जनरेट जो करना है इसमें पहले हम ये देखेंगे कि दो रिव्यूअर सिमिलर हैं या नहीं बेस्ड ऑन टू थिंग्स। सबसे पहली कि उन्होंने जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर उन दोनों ने कमेंट किया हुआ है उसके उसको कमेंट करने में टाइम गैप कितना है, क्योंकि जो स्पैमर होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में उस टारगेट प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं। और सेकेंडली हम ये देखेंगे कि उन्होंने जो उस प्रोडक्ट को रिव्यू किया है उनकी रेटिंग में कितना डिफरेंस, जैसे मिसाल के तौर पे सेम टाइम पे दो लोगों ने कमेंट तो कर दिया लेकिन एक ने उस प्रोडक्ट को रेटिंग दी 5, एक ने उसको दे दी 2 या 1, तो ये दोनों स्पैमर नहीं हो सकते। तो इन दोनों पैरामीटर जी ये जरा इक्वेशंस मुझे समझा दें यार, ये क्या लिखे हैं जब लैम्डा ए बी जो क्या शो कर रहा है 0 है फॉर ऑल। ये जो है बेसिकली लैम्डा ए बी दो रिव्यूअर हैं, एक रिव्यूअर ए है एक बी है, और हमने देखना है कि इनके दरमियान लिंकेज है या नहीं। अगर तो लिंकेज है तो ऑब्वियसली 1 होगा अगर सेम बिहेव शो कर रहे हैं, अगर नहीं है तो उनकी जो लिंकेज है वो 0 होगी। अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि आपके इक्वेशन के हिसाब से तो अगर लिंकेज है तो फिर 0 होगा और अगर लिंकेज नहीं है तो फिर 1 होगा। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ। ओके, ये बेसिकली जो चेक होगा ये पहली बात तो ये कि इस इक्वेशन पे आने से पहले ही हम सिर्फ उन रिव्यूअर्स को लेंगे जिन्होंने सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया होगा, तो ये तो कंफर्म है कि उन्होंने सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया हुआ है। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन पे आते हैं तो अब रिव्यू तो किया हुआ है, तो हम देखेंगे कि उन दोनों यूजर्स ने सेम प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू तो किया हुआ है लेकिन क्या उनका जो आपस में सिमिलैरिटी स्कोर है वो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें कोर रिव्यू सिमिलैरिटी स्कोर उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, जो यूजर्स हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रिव्यू तो किया हुआ है लेकिन हम देखना चाहते हैं कि रिव्यू क्या उन्होंने सेम टाइम पे किया है और क्या उनकी रेटिंग भी सिमिलर है। तो अगर उन्होंने सेम टाइम पे किया होगा, ठीक है, या मिसाल के तौर पर सेम टाइम पे नहीं किया, एक बंदे ने आज किया एक ने 15 दिन बाद किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई हम उसको 0 स्कोर असाइन कर देंगे, और अगर 0 स्कोर असाइन करेंगे तो यहाँ से 0 स्कोर रिटर्न होगा और ओवरऑल उन दोनों के दरमियान जो लिंकेज है वो जनरेट हो जाएगी 0, यानी ये दोनों रिव्यूअर एक ग्रुप के मेंबर नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? और मैं आगे मूव करूं? ओके सर, मैं अगेन अगली इक्वेशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है या मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊं? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो हुआ ये कि हमारे पास को रिव्यूअर ग्राफ जब हमने जनरेट कर लिया
तो को रिव्यूअर ग्राफ जनरेट करने के बाद अब रिव्यूअर्स के, अब हमारे पास सिर्फ वो रिव्यूअर्स रह जाएंगे जिनके दरमियान स्कोर 1 होगा, यानी उनकी आपस में लिंकेज होगी। तो उसके ऊपर हम स्कैन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। वो स्कैन एल्गोरिथम करेगा ये कि वो हमें कैंडिडेट ग्रुप जनरेट करके दे देगा कि ये एक ग्रुप आपस में सिमिलर है, ये दूसरा ग्रुप आपस में सिमिलर है। ओके, तो ये जो स्कैन एल्गोरिथम है, स्कैन एल्गोरिथम बेसिकली काम करता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि एक क्लस्टर तो बन गया, अब हमने उस क्लस्टर से जो इनको मैच करना है आपस में, वो हम किस रिव्यूअर से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम स्टार्ट करेंगे कोर से, और ये चेक करना हो कि कोई रिव्यूअर जो है वो एज अ कोर काम करता है या नहीं काम करता, तो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको ये दिखा सकूँ, हम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करेंगे सब रिव्यूअर्स का। ठीक है, तो उसमें बेसिकली देखेंगे ये कि एक रिव्यूअर उठाएंगे, उसको बाकी सारे रिव्यूअर्स के साथ मैच करेंगे। मिसाल के तौर पे रिव्यूअर वी को हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये कोर है या नहीं, तो हम इसका नेक्स्ट नेबर उठाएंगे, देखेंगे दोनों ने अलग अलग कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किया हुआ है और उनकी कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो शेयर्ड है जिस पे उन दोनों ने सिमिलरली मतलब स्कोर किया हुआ, उनको रिव्यू किया हुआ है। तो इसके बेस पे हमारे पास एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी स्कोर आ जाएगा हर रिव्यूअर का। और कोर के लिए हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन रखी है कि अगर किसी रिव्यूअर का स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी स्कोर जो है वो 0.6 से ज्यादा है, देन हम उसको एज अ कोर ले सकते हैं। ओके, सॉरी सर, ये थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया। ओके, मैं दोबारा उसी एल्गोरिथम पे वापस आना चाहूंगा, ये सॉरी नेक्स्ट स्लाइड हो गई जी। तो जब कोर आइडेंटिफाई हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये एक ऐसा रिव्यूअर है जिसके काफी सारे रिव्यूअर्स के साथ ताल्लुक हैं, और इसमें हम सिर्फ उन नेबर्स को देखेंगे जिनके साथ इसका जो सिमिलैरिटी स्कोर है वो हायर होगा, क्योंकि जो लोअर स्कोर है उसके उसमें पॉसिबिलिटी यही हो सकती है कि वो गलती से उनके दरमियान कहीं लिंकेज होगी, एक आधी प्रोडक्ट तो किसी के साथ भी कॉमन हो सकती है। तो ये बेसिकली जो पूरा एल्गोरिथम है ये इसी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी स्कोर के ऊपर बेस करता है। और जब हम एक कोर आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो कोर आइडेंटिफाई करने के बाद, मैं अगेन इसको जूम करना चाहूंगा थोड़ा सा, कोर आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि उस कोर का किन किन रिव्यूअर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है, और अगेन जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो हम उसी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी स्कोर के साथ कैलकुलेट करेंगे। तो जब हमने यहाँ पे स्कैन एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया और स्कैन एल्गोरिथम ने हमें कैंडिडेट ग्रुप जो है वो जनरेट करके दे दिया, अब हमारे पास बहुत सारे रिव्यूअर्स यहाँ से भी निकल जाएंगे, और सिर्फ वो रिव्यूअर्स रह जाएंगे जिनके साथ जो बॉन्डिंग है, जो बिहेवियरल सिमिलैरिटी है वो ज्यादा होगी, हायर होगी। तो हमारे पास जब ग्रुप्स जनरेट हो गए हैं, अब हम उन ग्रुप्स को बेस्ड ऑन सम कैलकुलेशन ऑफ सम फीचर्स, हम उन ग्रुप्स को रैंक करेंगे, और वो रैंक करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स यूज किए हैं, जो जिसमें दो तरह के पैरामीटर्स हैं, पहले हैं इंडिविजुअल स्पैम इंडिकेटर्स, दूसरे ग्रुप स्पैम इंडिकेटर्स। इंडिविजुअल स्पैम इंडिकेटर में टाइम बस्टीनेस आ जाता है, यानी कि किस कितने टाइम गैप में उन्होंने प्रोडक्ट को रिव्यू किया दोनों यूजर्स ने। इसी तरह हर रिव्यूअर का जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है, क्योंकि जो स्पैमर होते हैं वो नॉर्मली यही होता है, लिटरेचर में दिखाया गया कि वो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, किसी को डिमोट करना होता है, तो जो स्पैमर्स होते हैं वो नॉर्मली ज्यादा जो रिव्यूज हैं वो कर रहे होते हैं, वो जो जेन्युइन यूजर्स होते हैं उनके जो नंबर ऑफ रिव्यूज की तादाद है वो बहुत ज्यादा लोअर होती है। इसी तरह एवरेज रेटिंग डेविएशन, क्योंकि जब इन्होंने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट या डिमोट करना होता है तो इनकी रेटिंग अक्सर सेम रहती है, अगर तो प्रमोट करना है तो वो कोशिश करेंगे 5 और 4 देंगे तो रेटिंग डेविएशन कम होगा, इसी तरह अगर किसी प्रोडक्ट को डिमोट करना है तो वो स्कोर जो है वो जो उसकी रेटिंग्स है वो उसको मिनिमम पे रखेंगे। इसी तरह ये तो थे इंडिविजुअल ग्रुप स्पैम इंडिकेटर्स में रिव्यू टाइटनेस, यानी एक ग्रुप में जो स्पैमर ने स्कोर किसी प्रोडक्ट को रिव्यू किया है तो उन्होंने क्या सेम प्रोडक्ट्स और सेम रेटिंग के साथ गए हैं, और उसके बाद रेटिंग वेरिएंस क्या है, और फिर ग्रुप साइज, ये ग्रुप साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कि 1, 2, 3 लोग तो सिमिलर बिहेव शो कर सकते हैं, वो गलती से भी हो सकता है, लेकिन जो स्पैमर होते हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उनके जो ग्रुप साइज है वो नॉर्मली ह्यूज होता है। यहाँ पे तो इसके साथ हुआ ये कि जब हमारे पास पहले से ऑलरेडी स्पैम के जो वो ग्रुप्स थे वो तो आ चुके, हमने यहाँ पे स्पैम स्कोर कैलकुलेशन किया, जब हमारे पास हर ग्रुप का स्कोर आ गया तो हमने फिर उनको रैंक कर लिया और एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड ऐसा डिफाइन कर दिया बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटेशन जो आगे रिजल्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्पैमर जो है वो एक रैंक हो गए, और उस थ्रेशोल्ड से ऊपर वाले जो रिव्यूअर्स जो ग्रुप्स होंगे उनके सारे के सारे मेंबर्स के रिव्यूज को, यानी हमारे पास रिव्यूअर्स के बेसिकली ग्रुप्स बन गए, तो वो रिव्यूअर्स ने जहां जहां भी रिव्यू किया होगा हम उनके सारे के सारे रिव्यूज को जो है वो स्पैम आइडेंटिफाई कर देंगे, और इसी तरह फिर हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे वो नॉट स्पैम रह जाएंगे। तो जब हमारे पास स्पैमर के स्पैम ग्रुप स्कोर्स आ गए तो हमने जो थ्रेशोल्ड का मैंने अभी जिक्र किया उसके ऊपर वाले जो होंगे उनको स्पैम कह देंगे, बाकियों को हटा देंगे। तो जब हमारे पास स्पैम ग्रुप्स आ गए तो उनके सारे के सारे रिव्यूज को स्पैम करने के बाद बाकी जो रिव्यूज रह जाएंगे जो किसी क्राइटेरिया में अभी तक नहीं पहुंचे उनको हम नॉट स्पैम लेबल कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास ये हुआ
हमारा जो डेटा सेट है वो लेबल हो गया, क्योंकि हमारा डेटा सेट लेबल नहीं था। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पहले डेटा सेट को लेबल करेंगे, फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू हम स्पैम को रिमूव कर सकें। तो जो पहली हमारी लिमिटेशन थी कि लेबल डेटा सेट नहीं था, उसको हमने इस तरीके से टैकल करने की कोशिश की है। उसके बाद जब हमारे पास लेबल डेटा सेट आ गया, तो हमने डीप लर्निंग के कुछ आर्किटेक्चर यूज किए हैं। पहला है CNN, दूसरा LSTM, GRU, ये तीन हमने आर्किटेक्चर यूज किए। लेकिन अब यहाँ पे जो इसकी इनपुट है इन स्पैम क्लासीफायर्स की, उसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इस तरह से की कि एग्जिस्टिंग वर्क में जितना भी काम हमने देखा है, हम देख सके, उसमें या तो उन्होंने टेक्स्ट को यूज किया हुआ था, या फिर उस टेक्स्ट में से फीचर निकाल के और वो अपने मॉडल्स को इनपुट दी हुई थी। तो हमने ये किया है कि हमने टेक्स्ट की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपने मॉडल को दी है, और ये कुछ चंद एक लिंग्विस्टिक और बिहेवियरल फीचर्स भी हैं जो हमने उसके साथ कंकेटिनेट किए हैं। ओके, तो इसके साथ ही हमारे पास ये हुआ कि जब हमारे पास हमने अपने इन मॉडल्स को ये पूरा डेटा फीड किया, तो उसने स्पैम रिव्यूज आइडेंटिफाई कर दिए। अब हम उन स्पैम रिव्यूज को हटा के सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन रिव्यूज को आगे लेके चलेंगे अपने डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और यहाँ पे हमारे पास स्पैम का काम है वो कंक्लूड हो गया। उसके बाद जब हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन के लिए डेटा रेडी है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमारे पास रिव्यूज आ गए हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए थी, पहली सेंटिमेंट एनालिसिस और दूसरी फीचर एक्सट्रैक्शन। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए बेसिकली हमने किया ये है कि चूंकि कोई हमारे पास ऐसी लाइब्रेरी नहीं थी जिसे हम रोमन उर्दू के सेंटिमेंट को ले सकते, तो हमने ये किया कि हमारे पास एक और लेबल डेटा सेट मौजूद था, लेबल्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स के वो जो कमेंट हैं वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं या न्यूट्रल हैं। तो बेस्ड ऑन दोस, क्योंकि जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है किसी भी लैंग्वेज की, वो उस लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होती है, डोमेन पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो इस वजह से हमने उस डेटा सेट पॉप किया, उसके ऊपर एक डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, और मॉडल ट्रेन करने के बाद हमने अपने इस ये जो हमारा इंस्टेंट डेटा सेट है, इसके सेंटिमेंट्स उस ट्रेन मॉडल से एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद फीचर एक्सट्रैक्शन, अगेन हमारे पास फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए कोई टेक्निक नहीं थी, तो हमने पहले ये किया कि प्री प्रोसेसिंग स्टेप के तौर पे हमने उसमें से जो हमारा जो डेटा सेट था उसमें नॉन जो मीनिंगलेस या नॉन फीचर वर्ड्स थे उनको हटा दिया। यहाँ पे मीनिंगलेस या नॉन फीचर वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो फीचर के तौर पे काम नहीं कर सकते, जैसे क्या, हाउ, नहीं, ये जो सारे फीचर्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये बेसिकली नॉन फीचर वर्ड्स हैं, इनकी डिटेल थोड़ी सी मैं आगे दिखाऊंगा। और जब हमारे पास सेंटिमेंट्स भी आ गए, फीचर्स भी आ गए, तो नाउ वी आर रेडी टू मूव टूवर्ड्स आवर एल्गोरिथम C4, विच स्टैंड फॉर सेंटिमेंट एंड फीचर ओरिएंटेड डाइवर्सिफिकेशन। तो अब हमारे पास चूंकि सेंटिमेंट्स और फीचर्स दोनों आ चुके थे, तो अब हम उसके ऊपर अपना जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई करेंगे। उस एल्गोरिथम की जो आउटपुट होगी वो हमारे पास डाइवर्सिफाइड रिव्यूज आ जाएंगे। C4 एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा कि वो जो मैंने पहले एक लिमिटेशन बताई थी कि एग्जिस्टिंग वर्क में उन्होंने सेंटिमेंट्स को और फीचर्स को इकट्ठे एड्रेस करने की कोशिश की थी, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें कि इज इक्वल टू अल्फा बीटा गैमा, ये हम अपने एल्गोरिथम को इनपुट देंगे एक डिजायर्ड इनपुट के, भाई मुझे अल्फा स्टैंड फॉर पॉजिटिव रिव्यूज, या वैसे कुछ भी कर सकते हैं, तो अल्फा से मैं पॉजिटिव रिव्यूज मुराद ले रहा हूँ कि हमें मिसाल के तौर पे 10 पॉजिटिव रिव्यूज दे दो, 10 नेगेटिव रिव्यूज दे दो और 5 न्यूट्रल रिव्यूज दे दो। यानी हम अपने एल्गोरिथम को बताएंगे कि डेटा सेट तो बहुत बड़ा है उस किसी भी प्रोडक्ट का, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर्स मैक्सिमम चाहिए, उससे ज्यादा रिव्यूज हमें नहीं चाहिए। तो जब हमारे पास हमने उसे पहले से बता दिया कि हमें क्या काउंट चाहिए हर सेंटिमेंट के अगेंस्ट, तो सेंटिमेंट्स तो हमने यहाँ पे डील कर लिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमें एक चीज पे फोकस करना था, वो ये था कि हमारे जो फीचर्स हैं वो एड्रेस हों। तो सबसे पहले अगर हमारे पास पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव उस जो भी प्रोडक्ट है उसके पॉजिटिव रिव्यूज आएंगे इस एल्गोरिथम के पास, वो करेगा ये कि उन पॉजिटिव रिव्यूज में जितने भी फीचर्स एड्रेस हुए हैं वो उन सबको कंपाइल करके एक लिस्ट बना लेगा। अच्छा, अब उसके बाद होगा ये, हम एक पहला रिव्यू उठाएंगे और उस पहले रिव्यू में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी उस ये वाली जो फीचर लिस्ट है, जिसको मैं मास्टर फीचर लिस्ट आसानी के लिए कह लूँ, मास्टर फीचर लिस्ट में मौजूद है, वो उन फीचर्स को उठाएगा। और यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा इसको पॉइंट को हाईलाइट करता चलूँ कि सिर्फ वो फीचर हमारी मास्टर फीचर लिस्ट में मौजूद है, ये हमने क्यों किया ये अगली लाइन में क्लियर होता है हो जाएगा। तो जो मास्टर लिस्ट में मौजूद होंगे सिर्फ वो फीचर्स उठाएंगे, और उन फीचर्स की बेस पे हर फीचर का जो है हम वेटेज कैलकुलेट करके, तो एट द एंड हम उस रिव्यू में आने वाले किसी भी रिव्यू में आने वाले जो फीचर्स हैं उन सब फीचर्स के वेट्स को एडअप करके रिव्यू को एक यूटिलिटी स्कोर दे देंगे कि ये रिव्यू जो है हमारे लिए कितना यूटिलाइजेबल है। तो इस तरह हमारे पास होगा ये कि हर रिव्यू को हम एक यूटिलिटी स्कोर दे देंगे। तो रिव्यू को जब यूटिलिटी स्कोर दे दिया, तो जो सबसे हाईएस्ट यूटिलिटी स्कोर वाला रिव्यू होगा उसे तो हम उठाएंगे, और उसे हम अपने डाइवर्सिफाइड सेट, जैसे यहाँ पे हम फिलहाल एस कह रहे हैं, तो एस में एक थोड़ी सी दोबारा से जरा एक्सप्लेन कर दें कि फीचर्स के उस स्पेसिफिक फीचर्स को वेट कैसे दे रहे हैं आप रिव्यूज में। नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करने की परमिशन चाहूंगा आपसे। जी,
इस पे अगर आप देखो कि कोई भी एक फीचर जो है उसका वेट जो कैलकुलेट हो रहा है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल थोड़ी सी देना चाहूंगा कि एक रिव्यू था वो हमने पहले से सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर 5 फीचर्स थे, वो चले गए, ठीक है। अब हम जब देखेंगे तो यहाँ पे आप जरा नीचे देखें, ऊपर तो उस स्पेसिफिक फीचर का काउंट आ जाएगा कि अभी जो हम फीचर देख रहे हैं वो कितनी बार आया। नीचे जो हम मैक्सिमम फीचर्स, यहाँ पे मैंने एफ डैश यूज किया, एफ डैश बिलोंगिंग टू एफ, ऐसे फीचर्स जो अभी तक हमारे इस मास्टर फीचर लिस्ट में मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पे जो फीचर्स तो पहले एड्रेस हो गए हैं वो तो अब चले गए, अब हो सकता था कि उनमें कोई ऐसा फीचर हो जो सबसे ज्यादा बार आया हो, जैसे मिसाल के तौर पे मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन हमने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया है, उसका काउंट बहुत हैवी था, तो अब जब हमने उसको एड्रेस कर लिया हुआ किसी और फीचर को देखना है, तो चूंकि वो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज अगर हम उसी को लेंगे तो वो क्या करेगा कि अब जो आगे वाले जो सब्सिक्वेंट फीचर्स हैं उनकी वेटेज को लो करता जाएगा। तो हमने ये किया है कि जो रिव्यूज पहले, जो फीचर्स पहले एड्रेस हो चुके हैं उनको कंसीडर नहीं करना, जो हमारे पास करंट प्लेइंग एरिया है सिर्फ उसमें से देखो कौन सा फीचर मैक्सिमम है और उसको लेके आओ। तो इससे होगा ये कि अगर पहले हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी वाले फीचर्स एड्रेस हो जाएंगे तो जो आगे आने वाले फीचर्स हैं उनकी वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी बेस्ड ऑन द न्यू मैक्सिमम काउंट। सर मैं वापस चलूँ, ये था, वेट सॉरी अगेन विंडो आउट हो गई। तो ये था आपने जो मुझसे पूछा था कि फीचर्स को हम वेट किस तरह से देते हैं, तो ये था हमारे पास तरीका कि फीचर्स का वेट किस तरह से कैलकुलेट किया। जब हर फीचर का वेट कैलकुलेट हो गया तो ओवरऑल उसको सम करके हम रिव्यू को उस यूटिलिटी स्कोर दे देंगे बेस्ड ऑन दोज वेट्स ऑफ फीचर्स। अच्छा तो अब हुआ ये, हमारे पास हर रिव्यू का, अभी ये पहली इटरेशन है, हर रिव्यू का हमारे पास फीचर स्कोर आ चुका हुआ है, हमने सॉरी हर रिव्यू का यूटिलिटी स्कोर आ चुका हुआ है, हमने मैक्सिमम यूटिलिटी वाला रिव्यू उठाया, उसे उठा के हमने अपने डाइवर्सिफाइड सेट के लिए उसको अलग से कर लिया। अब जब हमने वो रिव्यू उठा लिया हुआ है तो अब हमारा जो डेटा सेट है उसमें से उसको डिस्कार्ड कर देंगे ताकि दोबारा ना आ जाए। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अगेन यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो रिव्यू हमने सिलेक्ट किया है उसके फीचर्स को, यहाँ पे मैं एस्टेरिस्क से डिनोट कर रहा हूँ, उसके फीचर को मास्टर फीचर लिस्ट से मैं निकाल रहा हूँ ताकि अब दोबारा जब आए तो इनकी वजह से मेरे पहले जो फीचर्स अभी एड्रेस नहीं हुए, अभी मैंने उनको लेके नहीं गया अपनी फाइनल लिस्ट में, उनकी वेटेज बढ़ जाए, उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट ना हो जो फीचर्स ऑलरेडी एड्रेस हो चुके। और इसी तरह हर आइट्रेशन में ये होगा कि मैक्सिमम यूटिलिटी वाला रिव्यू उठाएगा, उसे डाइवर्सिफाइड सेट में रख देगा और फिर उस रिव्यू में जो फीचर्स आ चुके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे पहले रिव्यू में मोबाइल स्क्रीन की बात हो चुकी है, यूजर को मोबाइल स्क्रीन का एक रिव्यू मिल चुका है, तो बार बार अगर मोबाइल स्क्रीन ही आता जाएगा तो फिर उसके लिए मसला होगा। इस वजह से हमने फीचर लिस्ट को हर आइट्रेशन के बाद जो है वो अपडेट किया है। तो इस तरह हमारे पास होगा ये कि जो भी हमारा मिसाल के तौर पर मैंने अल्फा यानी पॉजिटिव रिव्यूज की लिमिट बताई थी 10, तो जब ये 10 बार चल जाएगा उसके बाद वो बीटा को देखेगा, बीटा में अगेन हमने उसे 10 वैल्यू दी हुई है, तो अब वो 10 नेगेटिव रिव्यूज इसी तरह से उठाएगा। अब नेगेटिव रिव्यूज में वो फीचर की लिस्ट दोबारा से कंपाइल करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे एलसीडी का के बारे में पॉजिटिव कमेंट आ चुका हुआ है, अगर हम यहाँ पे एक ओवरऑल बनाते यानी पूरे डेटा सेट की इकट्ठी फीचर लिस्ट बना देते तो हमें मसला ये फेस करना पड़ता कि एलसीडी के बारे में पॉजिटिव रिव्यू तो होना था कि नेगेटिव रिव्यू उसमें कवर नहीं हो पाना था। इस वजह से हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल जो डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन की है, हर एक के अलग-अलग फीचर्स जो हैं उनकी लिस्ट को अलग-अलग से रखा है। तो इस तरह हमारे पास नेगेटिव रिव्यूज आ जाएंगे, इसी तरह कुछ हम न्यूट्रल रिव्यूज भी दे देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज मैं थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूँ, ये जो हमने काउंट दिया है, अब इसको हम अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें कि तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं कि भाई यूजर किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो पॉजिटिव रिव्यूज देखना चाहता है, नेगेटिव देखना चाहता है, ये सारे देखना चाहता है। और इसी तरह जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज मैंने जैसे पहले कहा कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है जो यूजर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो वो बीटा और गैमा के काउंट को मिनिमम कर सकते हैं और अल्फा सॉरी नेगेटिव काउंट को हायर पे ले जा सकते हैं, बाकी काउंट को मिनिमम पे ले जा सकते हैं, तो ये उस सारी जो वेरिएशन है उनको डील कर सकते हैं। सर मैं कंटिन्यू? जी 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 बिल्कुल। तो ये हमारे पास बेसिकली सीफोर्ड एल्गोरिथम था। अब यहाँ पे सीफोर्ड एल्गोरिथम की इवेल्युएशन जो है, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग जो डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक्स थी इंग्लिश के लिए, उसमें उन्होंने 2 तरह की इवेल्युएशन की थी। पहला तो उन्होंने ह्यूमन इवेल्युएटर्स को इन्वॉल्व किया था, दूसरा उन्होंने डीसीजी डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन यूज किया था। तो ह्यूमन इवेल्युएटर्स को इन्वॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम था, क्योंकि एक तो पेंडेमिक था, दूसरा वो लोगों के साथ रिलेशन बहुत कम हो गए थे और हम ऑब्वियसली पे करके किसी से काम, तो इस वजह से हमने उसको कंसिडर नहीं किया। हमने उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसके लिए देखा, तो जब डीसीजी को देखा गया तो जो डीसीजी यानी डिस्काउंटेड कम्युलेटिव गेन का मैयर है, इट वॉज एक्चुअली डिजाइन फॉर
कि सर्च रिजल्ट के जो हम किसी भी सर्च इंजन पे क्यूरी करते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो उनकी इवेल्युएशन के लिए था। तो उसमें तो हमारे पास ये होता था, सर्च क्यूरी होती थी, जो भी रिजल्ट्स आते थे वो देखते थे कि वो रिजल्ट उस क्यूरी के कितना रेलिवेंट है। तो अगर तो मैक्सिमम रेलिवेंट है तो उसको मैक्सिमम स्कोर दे देते थे, अगर बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है तो जीरो स्कोर दे देते। लेकिन हमारे केस में चूंकि जो सर्च क्यूरी है वो तो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली जितने के जो हमने एल्गोरिथम प्रपोज किया है उसमें जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो उसी स्पेसिफिक, जितने भी रिव्यूज हैं वो सारे के सारे उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। तो देयर इज नो सेंस ऑफ मैचिंग द रिजल्ट्स विद दैट क्यूरी। तो इस वजह से, और दूसरी बात ये कि जब हमने ऑलरेडी अपने रिव्यू को, हम जो भी टेक्निक यूज करें हमने ऑलरेडी उसको डाइवर्सिफाई कर लिया है, तो जो डीसीजी है ये बेसिकली ये इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की क्यूरी के साथ अगर उसको करने की कोशिश करें जैसे एग्जिस्टिंग लिटरेचर में हुआ है, तो उसमें मसला ये था कि उन्होंने ये कहा कि चलो अब हम ये तो नहीं देख सकते कि कितना मैचिंग है क्योंकि है तो उसी एक प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज, तो उन्होंने ये कहा कि हम देखेंगे कि कौन सा रिव्यूज कितने फीचर एड्रेस कर रहा है, तो अगर 5 कर रहा है तो उस रिव्यू को 5 स्कोर दे दो, 4 कर रहा है तो 4 दे दो। तो अब इसमें अगेन प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ रिव्यूज, कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले वाले रिव्यूज में आ चुके होंगे, तो अगेन वो अपनी रेटेज, अपना रोल प्ले कर रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमने जो है डीसीजी के बजाय एक नया इवेल्यूएशन मेजर प्रपोज किया, जिसको हमने यहाँ पे नेम दिया है डाइवर्सिटी स्कोर, या शॉर्ट फॉर्म जो है डिव स्कोर। डिव स्कोर में सबसे पहले हम ये करेंगे कि अब चूंकि हमें पता है कि हमारा डाइवर्सिफाइड सेट आ चुका है, तो अब यहाँ पे अगर ऑलरेडी हमने जिक्र किया कि जो फीचर पहले से एड्रेस हो चुके होंगे रिव्यूज में, नए आने वाले रिव्यूज में उनकी वेटेज नहीं है, अब हमें ये तो पता है, लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से वो रिव्यू फीचर्स एड्रेस हो जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक रिव्यू में 10 फीचर्स से 4 ऑलरेडी आ चुके, हमने 6 का स्कोर कैलकुलेट किया तो वो भी हाई आ गया और वो रिव्यू सिलेक्ट हो गया, तो बाकी 4 जो फीचर्स हैं वो तो यूजर के लिए रेपुटेशन है, तो हमें ओवरऑल स्कोर को जो है वो पिनलाइज करना चाहिए ताकि वो जो रेपुटेशन आ रही है उसको भी हम किसी तरह से मिनिमम करने की कोशिश कर चुके हैं। अच्छा, तो जब हमारे पास हर फीचर का जो हम इम्पैक्ट स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये देख के कर रहे हैं कि अगर एक फीचर 10 बार आ रहा है तो 101 है, अगर एक फीचर एक बार आया तो जाहिर सी बात है वही एक उसी जगह उसका रोल है, यूजर को रेपुटेशन नहीं होगी तो उसको हमने मैक्सिमम यही 1 स्कोर दे देंगे। तो जब हमारे पास हर फीचर का इम्पैक्ट स्कोर आ गया, तो उसके बाद हम हर रिव्यू के लिए उसमें जितने भी फीचर्स हैं उनके इम्पैक्ट स्कोर को समअप करेंगे और हर रिव्यू का एक डाइवर्सिटी स्कोर आ जाएगा। तो जब हमारे पास हर रिव्यू का डाइवर्सिटी स्कोर आ गया, फिर हमने उसको बेसिकली नॉर्मलाइज कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसा रिव्यू हो जिसमें बहुत ज्यादा फीचर्स हो उसका स्कोर बहुत ज्यादा होगा, तो अगर हम नॉर्मलाइज किए बगैर उस पूरे के पूरे डाइवर्सिटी स्कोर जो है पूरे के पूरे स्कोर को सम कर देंगे तो स्कोर बहुत हाई हो जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज नहीं। तो हमने उसको ये किया कि हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया बाय डिवाइडिंग विद मैक्सिमम स्कोर। तो इससे ये होगा कि अगर कोई रिव्यू मैक्सिमम भी मतलब स्कोर अपना कंट्रीब्यूट करेगा तो 1 होगा, 1 से ज्यादा वो नहीं जा सकेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली डिव स्कोर था जो हमने मैयर अपनी स्टडी के लिए यूज किया। अब हम अगर यहाँ पे रिजल्ट की बात करना चाहें, सॉरी सर मैं कुछ सेकेंड लूंगा। जी यहाँ पे, अब यहाँ पे इन एक्चुअल तो डिसाइडेड यही था कि हम रोमन उर्दू के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, लेकिन एट अ लेटर स्टेज वी डिसाइडेड कि अगर हम फ्यूचर वर्क्स को भी जहन में रखें तो देर माइट बी अ क्वेश्चन के रिव्यूज तो मिक्स होते हैं, कहीं उर्दू होते हैं कहीं इंग्लिश होते हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम भी हमें प्रपोज करना पड़ सकता है जो उर्दू, रोमन उर्दू और इंग्लिश दोनों तरह के रिव्यूज को देखे। तो सिर्फ उस पर्पज के लिए हमने एक और डेटा सेट इंग्लिश का लिया और उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंटेशन परफॉर्म कर दिया ताकि एटलीस्ट हमारी वर्किंग तो हो रही है, तो बेसिक्स बन जाए फॉर द फ्यूचर वर्क। तो जब हमने स्पैम डिटेक्शन परफॉर्म किया, मैंने आपको बताया कि तीन डिफरेंट मॉडल्स यूज किए, LSTM, GRU, CNN। तो दराज के केस में हमारे पास सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स अचीव किए वो GRU ने किए, जो कि 96.38% थे। अब अगर यहाँ पे मैं आपको इसका कंफ्यूजन ये देखें, बल्कि ग्राफ भी देख लें, यहाँ पे अगर इसको एनालाइज करें तो LSTM ने खासतौर पे अगर आप इसको देख लें जो सॉलिड लाइन है, दराज पे LSTM की एक्यूरेसी सबसे कम है और GRU पे सबसे ज्यादा है। और इस तरह अगर हम ये जो डिसकंटिन्यूड लाइन है येल्प के केस में, येल्प के केस में भी अगेन LSTM ने सबसे बुरा परफॉर्म किया, GRU और CNN ने अच्छा परफॉर्म किया ये आगे चल के। लेकिन चूंकि अगेन मैं हाईलाइट यहाँ पे ये करूंगा कि दराज क्योंकि हमारा मेन डेटा सेट था, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास GRU ने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दी। और अगर हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स थोड़ा सा जल्दी से देख सकें तो 2 positive 4 70, 2 negative 331, और ओवरऑल जो था ये रिजल्ट हमारे पास जो है वो काफ़ी अच्छे थे। अब ये तो थे हमारे ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स, तो हम डीप लर्निंग टेक्निक्स तो यूज कर रहे हैं, उसकी सिर्फ क्या यही एक रीजन पॉसिबल है कि उसमें हमें मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ती? ठीक है, मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ती, लेकिन हो सकता है कि इसमें मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन तो हम नहीं करें लेकिन रिजल्ट्स अच्छे ना हो,
तो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग पॉसिबिलिटी थी कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग हमारे डेटा सेट पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमने बेसिकली ये किया, हमने ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी उसके ऊपर अप्लाई किए और यहाँ पे उन स्कोर्स की समरी, और अगेन यहाँ से देखा जा सकता है कि जीआरयू वाज द स्टैंड आउट मॉडल अमंग ऑल। और फिर इसी तरह हमने आगे येल्प के डेटा सेट के रिजल्ट भी कोट कर दिए। और ये तो थी हमारे पास स्पैम के रिजल्ट की डिस्कशन। अब जब हम आते हैं डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट, तो डाइवर्सिफिकेशन में मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सबसे पहले हमें सेंटिमेंट एनालिसिस चाहिए थे, सेंटिमेंट्स चाहिए थे, फिर फीचर्स चाहिए थे। तो सेंटिमेंट्स के लिए लाइब्रेरी मौजूद नहीं थी, हमने एक पब्लिकली डाटा सेट लिया जो कि बेसिकली किसी सोशल प्लेटफॉर्म के कमेंट्स थे, लेकिन लैंग्वेज रोमन उर्दू थी तो, और सेंटिमेंट्स लेबल थे, तो हमने उसके ऊपर डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन किया। और फिर उसके टेस्टिंग के दौरान उस मॉडल की एक्यूरेसी 64% आई, जो कि हमारे लिए ठीक थी कि ना होने से एटलीस्ट सेंटिमेंट्स हमारे पास कुछ आ रहे हैं, इसको आगे अगर हम फर्दर स्टडीज में लेके जाना चाहें तो उसकी इम्प्रूवमेंट पे भी काम हो सकता है। तो जब हमारा मॉडल ट्रेन हो गया इन सेंटिमेंट्स के ऊपर, तो उस ट्रेन मॉडल को उठा के हम अपने दराज वाले रोमन उर्दू रिव्यूज पे लेके गए और हर रिव्यू के अगेंस्ट हमने उसके सेंटिमेंट्स जो है वो जनरेट कर लिए। तो जब हमारे पास सेंटिमेंट्स आ गए, तो अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हम इसके फीचर्स लेके आए। अब इंग्लिश में तो बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज बनी हुई है जिसमें एक टेक्स्ट ब्लॉब है, इसी तरह TF-IDF उधर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बेस्ड ऑन काउंट्स ऑफ वर्ड्स। तो बेसिकली टेक्स्ट ब्लॉब जिस तरह मैंने जिक्र किया, टेक्स्ट ब्लॉब में वो नाउन फ्रेजेस ले आता है, तो नाउन फ्रेजेस इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना ईजी इसलिए क्योंकि वो एक लैंग्वेज का सेट ऑफ रूल्स है। नाउन एक स्पेसिफिक जगह पे ही आते हैं नॉर्मली, लेकिन चूंकि रोमन उर्दू में ऐसे कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें इसके लिए एक मैनुअल अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ी। वो मैनुअल अप्रोच पहले मैं इलेबोरेट कर दूँ, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा। सबसे पहले हमने डेटा सेट के जो रिव्यूज थे उनमें से यूनिक टोकन जनरेट कर लिए। तो यूनिक टोकन जब जनरेट कर लिए तो वो 7,344 यूनिक टोकन बने, और फिर हमने उनको मैनुअली इंस्पेक्ट करके 4,621 ऐसे वर्ड्स अलग कर लिए जो कि फीचर के तौर पे काम नहीं कर सकते। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता था कि भाई आपने मीनिंगलेस या नॉन फीचर वर्ड्स को क्यों अलग किया, आप फीचर वर्ड्स को अलग कर सकते थे। तो इसके पीछे जो इंट्यूशन थी वो ये थी कि अगर हम फीचर वर्ड्स अलग कर देते तो वो इस डोमेन के लिए या हमारे दराज रिव्यूज के लिए तो ठीक थे, लेकिन हमारी इस एफर्ट को कोई और यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो हमने एक छोटी सी अटेम्प्ट किया कि एक ऐसी डिक्शनरी बना दी जिसमें मीनिंगलेस वर्ड्स हैं, और मीनिंगलेस वर्ड्स अगेन चूंकि ये लैंग्वेज डिपेंडेंट है तो किसी भी और डोमेन में भी इसको यूज किया जा सकता है, अगर कोई डेटा सेट डिफरेंट हो जाता है तो वो इनको एक्सटेंड कर सकता है और ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। तो जब हमने इस पे से मीनिंगलेस वर्ड्स जो है वो अलग कर दिए और सिर्फ फीचर वर्ड्स रह गए, तो उस पे TF-IDF ने कंपैटिबली अच्छा परफॉर्म कर दिया। हमने TF-IDF को पहले भी ये मीनिंगलेस वाले सारी एक्टिविटी करने से पहले TF-IDF अप्लाई किया था, लेकिन उसने सारे के सारे नॉन फीचर वर्ड्स निकाल दिए, वो रिजल्ट्स बहुत बुरे थे। इस वजह से जब हमने एक एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म किया मीनिंगलेस वर्ड्स रिमूव करने वाला, तो क्वाइट एक्सेप्टेबल फीचर्स हमारे सामने उभर के आ गए। अब हमारे पास सेंटिमेंट्स भी हैं, फीचर्स भी हैं, अब हमने अपने सीफ कोड एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना था। तो फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन पर्पसेस हमने एक रैंडम प्रोडक्ट सिलेक्ट की, और उसमें हमने बल्कि पहले अपने एल्गोरिथम को 20 का काउंट दे दिया कि भाई 8 पॉजिटिव यानी अल्फा, 8 नेगेटिव रिव्यूज और 4 नेगेटिव रिव्यूज, मैक्सिमम आपने हमें 20 रिव्यूज जो है वो रिटर्न करने थे। तो दराज के केस में जो हमने रैंडम प्रोडक्ट सिलेक्ट की, रैंडमली हमने देखा कि कौन सी प्रोडक्ट के ज्यादा रिव्यूज हैं, तो वो एक प्रोडक्ट आ गई जिसके 80 रिव्यूज थे, 41 पॉजिटिव थे, 27 नेगेटिव थे और 12 न्यूट्रल थे। फिर हमने उसके ऊपर अपना सीफूड एल्गोरिथम अप्लाई किया, वही जो पिछली स्लाइड पे मैंने बताया कि 8,84 का काउंट है, तो उसके ऊपर जो डाइवर्सिटी स्कोर है वो 7.14 अचीव हुआ। और अगेन वही के फ्यूचर को देखते हुए जब हमने उसको दराज ऊपर येल्प के ऊपर भी परफॉर्म किया, येल्प पे जो प्रोडक्ट हमने रैंडमली सिलेक्ट किया उसके रिव्यूज 6,500 से ज्यादा थे, इसमें पॉजिटिव रिव्यूज का काउंट बहुत ज्यादा था, 6,200 से भी ज्यादा, नेगेटिव रिव्यूज वर अबाउट 275 और न्यूट्रल रिव्यूज जो है वो 100 से भी लेस थे। लेकिन अगेन हमने जो मैक्सिमम लिमिट रखी अपने उस एल्गोरिथम के लिए वो 20 रिव्यूज थे और डिस्ट्रीब्यूशन सेम थी 8,84 की, तो यहाँ पे जो डिप स्कोर था वो 10.88 अचीव हुआ। अगेन इसकी रीजन के इसका स्कोर उससे ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि दराज में हमारे पास जो रिव्यूज थे वो बहुत कम थे उस प्रोडक्ट के, यानी अगेन एल्गोरिथम के लिए खेलने की जगह बहुत कम थी, तो यहाँ पे उसके पास ज्यादा प्लेइंग स्पेस थी, इस वजह से उसने ज्यादा फीचर्स को एड्रेस कर लिया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे अपने काम को कंक्लूड करना चाहूँ इन सम लाइंस, तो सबसे पहले तो हमने एक ऐसा एंड टू एंड सिस्टम बनाया है जो रोमन उर्दू के लिए स्पेसिफिकली स्पैम प्रोटेक्शन और डाइवर्सिफिकेशन परफॉर्म करता है। अगेन रोमन उर्दू के स्पैम प्रोटेक्शन पे इससे पहले डीप लर्निंग को यूज करते हुए कोई काम नहीं हुआ हुआ, और अगेन जो हमने एक डिफरेंट चीज जो की वो ये कि हमने सिर्फ टेक्स्ट में सिर्फ फीचर्स को यूज नहीं किया बल्कि हमने उनका एक कम्बिनेशन बनाया, और उसके बाद अब इसमें हमने ये किया एक स्टेप आगे गए क्योंकि रोमन उर्दू के लिए हमारे पास फीचर निकालने की कोई लाइब्रेरी नहीं है। तो लाइब्रेरीज बेसिकली इसी तरह बनती है कि वो एक बैकएंड पे डेटा सेट्स एक लिस्ट बनाते जाते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उन वर्ड्स के बेस पे वो जो फीचर निकाल लेते हैं। तो ये एक कंट्रीब्यूशन थी, और अगेन रेपिटेशन सॉरी फॉर दैट कि हमने रोमन उर्दू रिव्यूज को पहली बार डाइवर्सिफाई करने से आप कुछ कह रहे हैं।
जी, अभी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि टाइम की शॉर्टेज भी है, मैं भी यही सोच रहा हूँ यहाँ पर कि टाइम जो है ना, अभी मेरे पास सिर्फ 25 मिनट्स है और मेरे पास भी जमा इतने बजे होता है। तो एक क्विक क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पर अमूमन हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं, बाज़ात रिव्यूज क्वान्टिटेटिव भी होते हैं, स्टार रेटिंग दे दी जाती है, तो आपने वो एस्पेक्ट कवर किया हुआ है साथ के नहीं इसके साथ? स्टार रेटिंग को हमने यहाँ पे इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट साइट्स भी हैं, आती जा रही हैं, जहाँ पे रेटिंग की बजाय, क्योंकि अब यहाँ पे अगेन वही बात आ गई कि डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम सिर्फ रेटिंग को देखते हैं तो रेटिंग तो सिर्फ हमें पॉजिटिव या नेगेटिव बता सकती है, उससे ज्यादा तो वो कोई मैसेज कन्वे नहीं कर सकती। तो स्पैम की हद तक तो हमने उनको कंसीडर किया है, लेकिन डाइवर्सिटी में वो चीज तो, मेरे कहने का मकसद है कि बाज़ औक़ात स्पैम में ऐसे होता है कि स्पैम में तो नहीं, खैर जनरल ऐसे होता है कि मिसमैच कर रही होती है कि स्टार रेटिंग आपकी कुछ और कह रही है और टेक्स्ट अंदर कुछ और कह रहा होता है। तो ये चीज शायद ऑब्वियसली सिर्फ टेक्स्ट में अगर आप कवर कर रहे हैं, तो इसके क्लाइंट्स आपके इस प्रोडक्ट के कौन हो सकते हैं? मैं उस पर चलता हूँ, लेकिन जो अभी आपने बात कही कि टेक्स्ट में बात कुछ और होती है, रेटिंग में बात कुछ और होती है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बोथ एट कॉम्बिनेशन। टेक्स्ट को भी यूज किया है और वो जो फीचर्स हैं उसमें अगर आप देखें तो एक्सट्रीमिटी ऑफ रेटिंग और दूसरे फीचर्स भी आ रहे हैं, तो हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की। अब जहां तक आप बात कर रहे थे इसके क्लाइंट्स की, तो अगर क्लाइंट्स पे आए तो इसको सबसे पहले तो ये जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं, ये हमारी इस एप्लीकेशन, अगर हम इसको एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं हमारे इस पूरे के पूरे काम को। और इसी तरह जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, वो भी हमारे सिस्टम को यूज करके अपनी डिसीजन मेकिंग को ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा फास्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इसी को जहन में रखते हुए अब जो हमने काम किया और उसमें जो लिमिटेशंस थी, तो उससे काफी ज्यादा हमें फ्यूचर डायरेक्शंस भी मिले, जिसमें से दो तो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। अब जो और हम इसमें कर सकते हैं, किया जा सकता है, कोई और इसको एक्सटेंड कर सकता है, सबसे पहले तो हमें इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड रोमन ऑफ द रिव्यू डेटा सेट की बहुत अच्छा जरूरत है। और इसके अलावा जी सर, मेरा ख्याल है कि इसको ना आई एम कन्विंस्ड कि ये ठीक है, तो कैन आई आस्क, मैं आपके ना इसमें रिमार्क्स में जो डिटेल्स हैं विच आई अंडरस्टूड वो मैं दे दूंगा,